फोकस हरियाणा लगातार प्रदेश में सरकारी दुकानों में खाद की किल्लत की समस्या के बारे में आपको बताता रहा है। आज हम आपको चरखी दादरी में खाद नहीं मिलने से किसान कितने परेशान हैं दिखा रहे हैं। चरखी दादरी में यूरिया खाद की कमी के चलते फसाद शुरू हो गया है। कड़कती ठंड में किसानों को लाइनों में लगकर खाद का इंतजार करना पड़ रहा है। वही महिलाएं भी चूल्हा चौका छोड़कर खाद के लिए मारामारी कर रही है। किसानों को खाद के नाम की इतनी भारी दिक्कतें आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं झेलनी पड़ी। कभी थानों में खाद मिलती है, कभी लाइनों में खाद मिलती है, कभी महीने महीने तक खाद गायब रहती है। महिलाओं को लाइन में लगा करके खाद दी जाती है। ऐसी किसान विरोधी सरकार आज तक हमने हरियाणा में नहीं देखी है। हंगामे के दौरान मंडी पहुंचे किसान यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता सुनील पहलवान ने कहा कि जहां सरकार खाद पूरी मात्रा में बता रही है, वहीं दादरी मंडी में हजारों किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। हजारों की संख्या में लेडीज हैं, हजारों की संख्या में मानस हैं, और यहां पर गुजरक आदमी में हैं जो कि आज 70-70 साल के लाइनों में खड़े हैं। और एक किसान अपना अनाज पैदा करने के लिए खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, एक हफ्ता से इस लाइन में लगा हुआ है। खाद के लिए परेशान हो रहे किसान सहकारी समिति की दुकानों पर सुबह 5 बजे से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ इंतजार और अधिकारियों के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता।